तो भक्ति के पथ पर जब हम चलेंगे, भक्ति के पथ पर जब हम अग्रण्य बढ़ेंगे, तब मुक्ति का पथ तो स्वयं सुलभ हो जाएगा, स्वयं सम्मुख में आ ही जाएगा। दुनिया के लोग मुक्ति पाने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ते, उन्होंने तो विचार कर लिया कि कैसे भी मस हमको हम मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो ऐसे कैसे मिल सकती। और अगर मुक्ति मिल भी गई तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। शरीर अगर छूट भी गया, एक स्वरूप हमने बदल भी लिया, फिर कोई दूसरा स्वरूप मिल गया, दूसरे स्वरूप से फिर कोई तीसरा मिल गया, तीसरे से फिर कोई चौथा मिल गया। कपड़े पे कपड़ा हम बदलते भी चले गए, 84 लाख योनियां हम काटते भी चले गए, पर उसका कोई रिजल्ट अगर हाथ में आए तो बात दूसरी। कितने बार हम जन्म लें और कितने बार अपनी मृत्यु के घाट पर उतर जाए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, प्राण छोड़ देना। अगर संसार सागर में हम जन्म ले लिए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब की जो जन्म मिला है इस जन्म को पाने के बाद फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़े, वापिस हम कोई जन्म ना लें। ये काया, ये शरीर एक बार अगर मिल गया, फिर दूसरी बार फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, बदलते 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 फिर मानव की देह। और मानव की देह अगर मिल भी गई, वहां तक पहुंच भी गए, हम नजदीक तक पहुंच भी गए, तो फिर हम उससे फिर वंचित रह गए भगवान की भक्ति से। हम भगवान की भक्ति से फिर वंचित रह गए। कई बार ऐसा होता है, आपका कोई कार्य होने वाला रहता है, पूरी तैयारी हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुकी हूं, अब हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए, और होने ही वाला रहता है, और मालूम पड़े वो लगी लगाई जो थाली है वो खसक जाती, किसी के और के हिस्से में पहुंच जाती। वो लगी लगाई थाली हमारी किसी के और के हिस्से में पहुंच गई, अब नहीं रही, फिर पुनः प्रयास करा गया कि ये फिर प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं मिल रही, डीले कम करो। बारम्बारम प्रयास करते रहे, बारम्बारम पुकारते रहे, बारम्बारम बोलते गए, पर वो भोजन की थाली हमारे सम्मुख में नहीं आ पाई, हमें नहीं प्राप्त हो। उसी तरह एक बार मानव का शरीर मिलने के बाद हमने कितने कितने प्रयास करे हैं, अथक प्रयास बहुत किए गए कि फिर वापस मानव की देह मिल जाए। अब की बार मैं भजन नहीं कर पाया, अब की बार कर लूँगा, फिर मैं कर लूँगा, फिर मैं कर लूँगा, तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार हम जन्म लेकर अपने प्राणों को त्यागा और त्यागने के बाद ये प्रयास करा कि हम कैसे भी किसी भी तरह से किसी भी क्षण किसी भी पल हम भगवान को अपना बना लें, हम भगवान को अपना प्राप्त कर लें, पर नहीं हुआ। पर प्रयास करना शिव महापुराण के माध्यम से कि इस बार जो हमको मौका मिला है, इस बार हमको जो समय मिला है, इस समय के अनुसार हम भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। कितने जन्म कितने मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, निकलते चले गए। व्रत शिव महापुराण की कथा है, और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहां तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं, वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है,
और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। तो यही नहीं होता कि आप राजगिरह की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर से चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो या साबूदाना की खिचड़ी खा लो या भगर खा लो, मौर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरह का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर झगड़ा कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहां पांव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो इसको व्रत नहीं कहा गया। इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया, इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम उससे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूं, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता, ये सामने प्रकट हो रही, और इसका कोई मूल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से श्रवण करना। फेसबुक यूट्यूब पर अगर कथा सुन रहे हो तो बड़ी सावधानी से श्रवण करना कि इसमें तुम्हारी अभिमत्ता नहीं है, इसका भान नहीं है, इसमें आनंद का भान नहीं है, इसमें रस तत्व का भान नहीं है। ये तो केवल तुम्हारा अहंकार है, ये केवल तुम्हारा अभिमान है। और जब तक अहंकार अभिमान तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे मुख पे बात बात में वाणी में ये संबोधन आ ही जाएगा, बात बात में वाणी में ये संबोधन तुम्हारे मुख पर आ ही जाता है कि अब मैं तेरे यहां पांव नहीं रखूं, अब मैं तेरे यहां ये नहीं करूं, अब मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूं। ये हमारा अहंकार, ये हमारा अभिमान है जो हमारे सामने आ गया। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, कि स्कंद पुराण में भी लिखी है कि आप जो व्रत करते हो, जो आप उपवास करते हो, जो आप नियम धारण करते हो, वो अहंकार को दूर पटक कर किया जाता है। अभिमान को बहुत दूर पटक दीजिए, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। जब अहंकार अभिमान आपका दूर ले जाकर छोड़ दोगे, अहंकार अभिमान आपका जब दूर चले जाएगा और उस अहंकार अभिमान को छोड़ने के बाद जब आप भगवत भक्ति में डूबोगे, तब एक आनंद दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्त वृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है, वो शुद्ध होना चाहिए। तो हमारा मन शुद्ध हो, हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे, पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि
आप उससे कैसी बात कर रहे हैं? पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान हो जाएगा। आपके भीतर अगर भजन है तो आप भजन देना प्रारंभ करो, सामने वाला खुद भजन गाने बैठ जाएगा। हमने कई माताओं को देखा है, जब तीज त्यौहार आता है ना, तो एक माता भजन गाने बैठती है, ढोलक लेके जो पीटना चालू करे, मंजीरा बजाने वाली भी नहीं होना तो दूसरी आके बैठ जाती, मंजीरा उठा ले बजाने लगते, उसको बजाना भी नहीं आता फिर भी वो आकर बैठ जाती, बैठे बैठे वो ताली बजाएगी, तीसरी फिर आ जाएगी, वो बैठे बैठे ताली बजाएगी, भजन गाएगी। एक गाने बैठी थी, देखते देखते 8, 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। अर्थात आपने भजन दिया है, आपने भजन दिया तो भजन मिल रहा है, आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिल रहा है, आपने करुणा दी है तो करुणा मिल रही है, आपने वात्सल्यता दी है तो वात्सल्यता प्राप्त हो रही है। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा रानी, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है वही यशोदा है। अब आपने तो नाम रख लिया यशोदा और मालूम पड़े दूसरे को दे रही आप यश, यश तो कभी दिया ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, तो सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया, तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत यह रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो भैरू सिंह ने करा, हमने तो तुरंत कर दिया, अच्छा हम कर रहे हैं बुरा वो कर रहा है, अब इसमें प्राप्ति कहां है? इसमें सुखता भान कहां है? आप अच्छा देने का प्रयास करो तो जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा कर जे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहाँ की कितने साल पुरानी साड़ी और उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को लाके चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे साड़ी चढ़ा, कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो, जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है, प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है। प्रेम नहीं है तो मिलेगा, जो होगा आपके पास में वो दे दीजिए। और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया, जम के बोलो क्या दिया? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया पर आप लोटा भरकर जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है।
कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं, भाव तो आपका वही है। आप भले ना दियो पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव, क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभु ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला, आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है, तो वो सत्य प्रिय, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किस में? सत्य में। सतनाम कहो भोलेनाथ, कहो भोलेनाथ, कहो भोलेनाथ, कहो। सत्य में शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर, राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रखकर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोड़ गया, शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने, सती आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो, सती आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो, यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है? आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा, आपने झूठ कहा, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है, वही सत्य। शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा, इस अश्रु को आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता, आप झूठ बोल दियो, आप असत्य बोल दियो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठाकर लेकर गए तब कहा कि राम नाम सत्य है, इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार नाते रिश्ते ये सब सत्य नजर आएंगे, और जैसे ही प्राण छूट गए सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता, उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकती कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगी,
किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाया होगी कोई कलाकार ने, पर अच्छा था। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, और खुशी में भी दामन भिंगोते हैं आंसू। अब अश्रु भी हजार तरह के होते हैं, एक हो सकता है कि प्रसन्नता का भाव आ जाए तब आपकी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे का जॉब लग गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, आज मेरा पुत्र ठीक हो गया, आज कोई माता आई थी कह रही थी मेरा बेटा 5 साल से जो बीमार चल रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, वो ठीक हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। कहीं शंकर की दया हो, प्रसन्नता में भी अश्रु आ जाते हैं, जिससे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रहे हो, बहुत समय से जान रहे हो, अगर वही माता पिता कुटुंब कबीला जिससे स्नेहता है वो सम्मुख आ जाए तो भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम है, करुणा है, वात्सल्यता स्नेह। ये वात्सल्यता है, यही प्रेम है। सती इस अश्रु का मोल तुम नहीं जान सकोगे, अश्रु वापिस दे दीजिए हमको। सती मैया कहती है मैं अश्रु वापिस नहीं कर सकती आपको, पर ये सत्य का अश्रु है, और सत्य का अश्रु इतनी देर तक कोई धारण नहीं कर सकता। सीहोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ। चल क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई, और मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी, और असत्य निकलना प्रारंभ हो गया। फिर वो असत्य प्रारंभ हो गया, जो झूठ बोलने वाला होता है ना, बार बार कहता है लाओ प्रमाण दो, लाओ प्रूफ दो, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं बता दूं, अभी मैं ये कर दूं, लाओ प्रूफ दो। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाई, अभी मैं ये कर देता हूं, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, सत्य सत्य। सती, ब्रह्मदेव ने असत्य बोला, भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट करा, और काल भैरव को प्रकट होकर कहा काट दो ब्रह्मा जी का सिर जिससे वो असत्य बोल रहे हैं, काटो इसका सिर। नख तोड़ा, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। असत्य से ब्रह्मा जी का सिर कट सकता है, तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से हमारा पुण्य कट नहीं सकता। पाप बढ़ेगा और पुण्य कटेगा, पुण्य भी तो समाप्त होता है। हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी, पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण, और बताना ही मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली हो। जैसे गीता पढ़ने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, हृदय में उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके बच्चे गीता को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। गीता पढ़ने का विषय है, गीता हृदय में उतारने का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता को अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में अगर हमने उतार लिया, तो हमारे घर के बच्चों को कभी अदालत में जाकर खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर गीता का स्मरण करा है तो, श्रीमद् भगवद गीता का मनन चिंतन करा है तो, थोड़ा सा सत्य अपने जीवन में उतारो, तब जाकर जीवन का आनंद। सती लाओ ये मेरा अश्रु मुझको दे दीजिए, ये सत्य से जो अश्रु निकला है, ये सत्य का अश्रु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। नहीं 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 स्वामी, मैं ये सत्य को अपने पास रखना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, अगर सत्य अगर आपने अपने पास में रख लिया तो आपको सहन बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैं सहन करने को तैयार हूं। अगर
सत्य मेरे पास में रह रहा है तो मैं सहन भी कर लूँगी। और सती ने क्या सहन करा वो आप देख लो। सती जब पिता के यज्ञ में गई और वहाँ पहुँची, और पहुँचने के बाद माता सती ने जब जो देखा, देखने के बाद सती ने सत्य कहना प्रारंभ करा और सत्य सुनना प्रारंभ करा तो सती को भस्म होना पड़ा। माता सती को भी भस्म होना, बड़ा कठिन है माता जी। बारंबार शिव से कहा मैं सब सहन कर लूंगी सत्य को, आप मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपना अश्रु, वो सत्य का अश्रु, सत्यता का अश्रु शंकर भगवान ने दे दिया सती माता। और सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में समाहित हो गया, सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में विराजमान हो गया, तब फिर सती शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर अपने प्राणों को त्याग दी, भस्म हो गई। बस और वो सत्य के कारण ही, सत्य के कारण ही मेरा शंकर, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, जगत हो, संसार हो, सत्य के कारण ही मेरा शिव सबके हृदय में विराजमान है। कि आज मेरे भोले का, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। उसके दरबार पर जाकर जब जीव करुणा करे, कृपा करे, दया करे, सागर, ये शिव ही कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सत्य शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। और जब शंकर भगवान को सत्य प्रिय है तो उस शिव को अगर कुछ देना है तो ब्रह्मदेव को सत्य ही देना था। ब्रह्मा जी अगर देना चाहते तो सत्य दे देते, पर ब्रह्मदेव ने सत्य नहीं दिया, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। और ब्रह्मा जी अगर सत्य प्रदान एक बार कर देते तो फिर असत्य ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ता। किसलिए बोलते थे? व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना, अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते।
सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा, इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद देता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ जन्मी थी, एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है, कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहाँ? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहाँ होगा? इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ, कहाँ पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती, क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है, बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा, और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहे इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पुणे में हुए, आपका तो बता दोगे, पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में,
बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर, जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग का। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर त्रेता कलयुग ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम फ्लैट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे कजन कितने जन्म होते रहेंगे, जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई जो पहले परदादाजी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई, मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई। और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है, इसके सिवा कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगा, अलमारी में दरा की दरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में दरा की दरा है, कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। झगड़ा करा, लड़ाई करी, विवाद करा, खूब झगड़े पर मिला क्या? इतनी सी जमीन है, इतनी मिल भी गई, हो गया, मान लो तुमको मिल गई लड़ाई झगड़ा में। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। सही प्रॉपर्टी, सही जमीन, सही जायदाद, सही धन, सही दौलत, सही संपदा तो माता पिता का आशीर्वाद है। सही दौलत तो वही है, सही जायदाद तो वही है। अब प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे, पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। सतयुग एक नहीं आया, ना जाने कितने सतयुग आ गए। द्वापर एक नहीं आया, ना जाने कितने द्वापर, त्रेता एक नहीं, ना जाने कितने त्रेता, कलयुग ना जाने कितने हुए, और अपने जैसे भी ना जाने कितने। तो कभी कभी तुम अहंकार भी मत करना, अपने भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि आपके बराबर कोई दान नहीं कर सकता। किसी के भीतर ये अहंकार ना आए कि हमारे बराबर कोई ये नहीं कर सकता, हमारे बराबर ये कोई बोल नहीं सकता, हमारे बराबर ये कोई होड़ नहीं कर सकता। नहीं, अहंकार को छोड़ दो। इस भारत की भूमि पर, इस भारत माता की गोद में अगर वीर भी जन्मे तो ढेर वीर जन्मे, कोई एक नहीं, कोई एक सोचे कि मेरे बराबर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, ना जाने कितने। इस भारत माता की गोद में अगर दानी भी जन्मे तो ना जाने कितने, कोई ये ना सोचे कि मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। इस भारत माता की गोद में सुंदर भी जन्मे तो इतने, कोई ये ना कह सकता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। और इस भारत माता की गोद में कलाकार भी जन्मे तो इतने, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। इस भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों, ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी अनेक हुए तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नारजंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे, पर आपसे श्रवण कर ही तो कुछ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान देना है। सियोर वाला महाराज तो 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा बाज देगा। इसके बाद जवाबदारी आपकी है, कथा सुनने के बाद जवाबदारी आपकी है कि आपके बच्चों को शाम को भोजन कराते समय, आप रात्रि को अपनी बहन से बात करते समय, आप रात्रि को अपने रिश्तेदारों से बात करते समय उनसे भी प्रश्न कर सकते हो, क्यों आज तूने कथा सुनी थी, आज अपने एकादशी के जन्म की कथा सुनी कि एकादशी कब पैदा हुई, एकादशी का जन्म कब हुआ, कौन सी जगह पर जन्मी थी, अपने को मालूम था कि राम जी कहां जन्मे, अपने को मालूम था भगवान कृष्ण कहां जन्मे, अपने को मालूम था नरसिंह भगवान कहां जन्मे, पर अपने को एकादशी का जन्म कहां हुआ ये नहीं मालूम था। आप अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो,
तीन घंटे की कथा तो आप यहां श्रवण कर लेते हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद की जवाबदारी आपकी है कि इस कथा का प्रसाद आप किस किस को दे रहे हो। आप कथा का फोन लगाकर किस किस को बोल रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा आ रही है। सुनो, व्रत शिव महापुराण की कथा है। व्रत उपवास जो अभी तक करते आए हैं उसी को सुन रहे हैं कि अब कैसे करना चाहिए। करते तो आए पर उसको करना कैसे, कहां जन्म ले लिया। तो कहा महाराज बद्रीनाथ कब जन्मी एकादशी। एकादशी का जन्म कब हुआ। तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशाल काय था, इतना विशाल काय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशाल काय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कलकत्ता में कहा था उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए, अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते ना छिन्न हो सकते क्योंकि इसका तुमने उद्यापन कर दिया। उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया। अब मुरदैत्य बड़ा बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था, पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है। दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर गया, बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही है। अरे अरे वो इतरा रही इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने, अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरा रही ने कई कर रही, वो करे करे करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था, इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देता। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज, देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहां नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुरदैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा, कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। जितने लोग उतने देवता और जितने लोग उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोगों पर और लोगों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोग हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया, जम के बोलिए जरा, उस मुरदैत्य का। सारे लोग खाली, मुरदैत्य का राज। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका, आप पृथ्वी पर जन्मे हो,
और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। कहां जाएं, किससे कहें? बैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्म लोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्र लोक के अधिपति इंद्र, यम लोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी वा इंदौर वाली? जो जहां रह रही है वो नहीं आएगी, और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज लगा देती, दरवाजा भड़क देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, हवाई लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप बहू दौड़ करा, दौड़ करा, दौड़ करा। बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी भले कितना भी झगड़ा करा हो, कितनी भी लड़ाई करी हो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए और आई तुरंत, क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपर ठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। जो नजदीक में थी। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिवजी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुरदेत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुरदेत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुरदेत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे हैं पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे, हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए, भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको। ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है, ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पे चश्मा लगा है, कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है, सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया, समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ हे तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, और मेरे पति को जन्म दिया, जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया है,
तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी, नहीं नहीं दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कोई, कौन मिला फिर बुरा? इस मन को बुरा कर, मैं नहीं मार सकता मुर्दे को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहां मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर, प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुरदेत्य ने आक्रमण कर रखा है, सांप को उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बेटा? तो क्या मुरदेत्य बेटा, अकेला हो? वो अकेला बेटा। हाँ भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे, एक मुरदेत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं, नीचे गिराने में ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया, और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर खो जाते हैं, फिर उठ गया, वापिस उठ गया, फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा। खो गए, मरा तो रो गए, संसार का नियम है। एक व्यक्ति की, मुरदेत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुरदेत्य को, 15 मिनट में मुरदेत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए सारे 33 कोटि देवता, भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के मैदान, और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र, और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका, मुरदेत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका, फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुरदेत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब। एकादशी के जन्म की कथा, गजब हो गया, इतने सारे मरे और एक क्षण में भगवान ने तो सुदर्शन फेंका ने, सब घूम के गया ने, सबके मार के आया, उसके तो एक घंटा आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट लगे होंगे, इसने तो एक फूक मारी जो यहां से चालू करा हैप्पी बर्थडे ने टू यू, एक फूक में ही सब निपटा दिया, ले सब जाग गया सब। जैसे वो 11 साल हुए तो लोग 11 मोमबत्ती जला, हमारे यहाँ तो कहीं नियम नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ये नियम नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाओ कि दिया बुझाओ, हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाओ तो दिया जलाओ, और पहले बात तो जन्मदिन मनाओ तो पहले सोच के मनाओ कि 14 साल के हो गए, मतलब भगवान के करीब जाते जा रहे हैं करीब, 35 साल के हो गए मतलब 36वें में लग गए उसके और करीब पहुंच गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तुम तो केक काट रहे हो, ऊपर तो नगाड़े बज रहे हैं, भेरू आने वाला है, ऊपर नगाड़े बज रहे हैं, 68 का हो गया, गांव के लोग जन्मदिन मना रहे हैं, ऊपर कह रहे तैयारी कर लो रे, थोड़ा और बचा है आने वाला। कई लोग पूछते हैं तो गुरुजी क्या हम जन्मदिन नहीं मनाए? हमने कहा मनाओ, तो आप तो ऐसा बोलते हो, हमने कहा जन्मदिन मनाना मतलब हम तो समझ जाते हैं कि ये जन्मदिन इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी है भगवान के पास जाने की, इसलिए मना रहे हो,
कि अब हम भगवान की ओर करीब हो गए, हम और करीब हो गए, हम और करीब हो गए। अरे जन्मदिन आता जाए तो विचार करते जाओ कितने साल निकल गए। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। अरे काय जन्मदिन मनाओ तो विचार करिए कि हमारा जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, कहाँ जा रहा है, हमारा समय निकले चले जा रहा है। ना राम गाए, ना कृष्ण गाए, ना शंकर का स्मरण करा, यूं ही गवा दिया। और बचा कुचा था तो जन्मदिन आधी रात को मेन रोड पे गाड़ी को खड़ा करके बोनट पे केक रख के बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति का जन्मदिन रोड पे मना रहे जैसे बेचारा अनाथ है रे, इका कोई नहीं बापड़े का। उसके घर में उसकी मम्मी है, उसके घर में उसके पिताजी हैं, उसके घर में उसका भाई है, उसके घर में पूरा परिवार है, और जन्मदिन कहाँ मना रहा है, रोड पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि अनाथ है तो जन्मदिन रोड पे मन रहा है। अगर अनाथ नहीं होता तो जन्मदिन उसके माता पिता को खड़े रखकर मनाते कि इस माता ने जन्म दिया है तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड को, इसको जन्म दिया है, इस माता ने मेरे दोस्त को जन्म दिया। खुश होते कि माता पिता ने जन्म दिया। सबसे पहले जन्मदिन पर अगर पूजन करना है तो माता पिता के गले में माला पहनाओ कि इनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इसने पैदा किया है, तुम्हारे जैसे जीव को इसने जन्म दिया है। तुम्हें जो दोस्त मिला, तुम्हें जो फ्रेंड मिला, जो तुम्हें समझ गए भेरू के भेरवी ने भेरवी के भेरवी, तो जिसने जन्मदिन की खुशी उनके सामने मना। चले गए रोड पे, गाड़ी खड़ी कर ली, केक काट लिया, आधी रात को बम फटाका फोड़ लिया, बस। क्या मतलब, वो अनाथ नहीं है, वो अनाथ नहीं है, उसके सिर पर उसके माता पिता का ने एक फूंक मारी केक की, सारी मोमबत्ती बुझा दी, और इस मुर्दे ने एक फूंक मारी ने जितना गिरा पड़ा था नहीं सब के जगा दिया एक ही में। मेरे को तो लगे वो कहीं कहीं का बाबा जोगी और नहीं हो नहीं, जिसके यहाँ झाड़ा लगवाने लोग जाए, एक फूंक मार दो उठ गया। तो देखा एक फूक में उठ गया, तो जो उठा उससे पूछा कितना समय से बीमार पड़ा था ने, महाराज जी ने एक फूक मारी ने उठ गया। वो बोला फूक से उठा नहीं हूं, महाराज जी के मुंडा में ऐसी बदबू आई थी एक बार उठ गया, इसलिए भगा ये दूसरी मार देगा फूक तो निपटी जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। और के कह गया महाराज जी के कान में, कहीं पायरिया की कहीं बीमारी बीमारी तो नहीं मुंडा में, फूक में छुटता। अभी महाराज जी ने उसको मारी थी, महाराज जी खुद के मार के मुर्दे ने जो फूक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी गया एक साथ, सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे क्या करें, भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा, गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मुर्दे के साथ, हजार वर्ष तक गदा युद्ध चला भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50 हजार वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा, भगवान विष्णु थक गए क्योंकि ये मूर्दैत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे, लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा नाथ हुआ क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूँ, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूँ पर तू ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी मैं आता हूँ तो रुक, लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए, 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए, जाकर मेरे नारायण सो गए क्योंकि इतने थक चुके थे। इतने थक गए थे और इतने थक गए भगवान, इतने थक गए सो गए। मुर्दैत्य
भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। मोर देते ने विचार करा, आज भगवान भाग कर कहाँ जा रहे हैं मुझसे। केवल वो कालियावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहाँ मूर्दैत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, जा रहे हैं। चले गुफा में मूर्दैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। वहां पर हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है, पाप व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना, क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं। हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे ही हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मूर्दैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मूर्दैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया, कहां जा रहे हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या। ज्ञात है, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है, आप रुको वहीं। रोक दिया, जब मूर्दैत्य ने पाप पुरुष को हटाया और अंदर प्रवेश करने लगा, 11 दिन तक, एकादशी दिन तक, 11 दिन तक पाप पुरुष और मूर्दैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। पाप सामने है, मूर्दैत्य प्रवेश कर रहा है, बीच में पाप अड़ा पड़ा है, और वहीं बस उस 11 दिन में क्या हुआ कि 11 दिन में भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री ने जन्म ले लिया, एक कन्या ने, एक स्त्री ने, एक नारी प्रकट हो गई, नारी प्रकट। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है, जैसे भादो कृष्ण अष्टमी, किसका जन्म है, भगवान कृष्ण का, चैत्र की नवमी, बोलते जाओ राम जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था, मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया, 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, प्रकट हो। आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है, और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप, कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेधव्य नारी करती है, क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं, नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया, और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी बारवा तो हम दो, तो क्या बारवा क्या करेगी, तो क्या बारवा क्या हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा,
तुम खड़े रहो। अब 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी अभी कहाँ जा रहे हो, अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, महाराज छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा, तो कि हमने 5 दी, कोई कि हम 14 दी, कोई कि हम 10 दी, कोई कि हम 3 दी, कोई दिया, कोई कि हम 2 दे दिए, तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था कि कथा नहीं अपनी कथा, अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे। अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाए तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, बार बार तो होंगे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले, नहीं नहीं हम तो अब भी ले जाके जाए, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही हमारा, चल चल मुझे ले चल। और एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, और वृंदावन की लकड़ी दीजे दीजे दोनों हाथ, तुम्हारा द्वारिकारा नाथ, तुम्हारा चार भुजारा ना। प्रभु एक सुंदर जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहे सो रहे, प्रकट हो गए। एकादशी का जन्म मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी, उत्पन्ना उत्पत्ति एकादशी प्रकट। पाप पुरुष एकादशी को देखा भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गए। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता, ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या, पाप पुरुष भागा। मूर्धेत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मूर्धेत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मूर्धेत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मूर्धेत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रख रखना एक दिन आपके लिए भी तैयार होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले, चौकीदार के कमरे में पिताजी को, हाँ फिर रोटी वोटी भोजन वोजन क्या करेंगे, मैं यहाँ से सब भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो, पिताजी को चौकीदार के कमरे में ठहराओ, एक घंटी लगा दो, पिताजी घंटी बजाएंगे, मैं यहाँ से सामान भेज दूंगी। ठीक है, पिताजी से बेटे ने कहा पापा बाबूजी आप पीछे के कमरे में ठहर जाओगे क्या चौकीदार वाले, हाँ बेटा मुझे तो सोना है, कहीं पर भी सो जाऊँ उसमें क्या दिक्कत, हाथ जोड़ के पिताजी आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप इस मकान में अंदर कभी मत आना, आप बाहर रहो। ठीक है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक घंटी लगा देता हूँ, बजा देना, पानी ले आएगी बहू, भोजन ले आएगी, नाश्ता ले आएगी, चाय ले आएगी, ठीक, घंटी लगा दी, पिताजी घंटी बजाते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, बेटे ने कसम दी थी अंदर मत आना मकान। बेटा शाम को आया, पत्नी से पूछा क्यों पिताजी को चाय भोजन नाश्ता वगैरह दिया, पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, हो सकता उनके पास रखा होगा। बेटा शाम के समय पिता के कक्ष में जाकर देखता है, पिता पलंग से जमीन पर पड़े हुए थे, पूछा जल का छींटा दिया, बेहोशी में पिता थे, उठे क्या हो गया पिताजी, पिताजी बोले प्यास लगी, पानी नहीं पिया क्या आपने, भोजन नहीं किया, नहीं मैंने खूब घंटी बजाई पर कोई सामान लेकर नहीं आया। बेटे ने घंटी बजाकर देखी तो घंटी नहीं बज रही थी, पिताजी घंटी तो बज नहीं रही है, पिताजी बोले मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने कतर दिया होगा, चूहे ने कतर दिया होगा, इसलिए घंटी नहीं बज रही होगी, बहू का दोष नहीं है बेटा।
बेटा बाप को पानी पिलाता, इतने में बाप चला गया, मर गया, प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया, 10 दिन पूर्ण हो गए, सफाई होने लगी। घर में दो बच्चे थे छोटे छोटे, जब माँ सफाई कर रही थी तो घर के दोनों बच्चे ने, एक ने तार को घड़ी बनाया जेब में रखा, एक ने घंटी को अपनी जेब में रखा। माँ ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? बच्चे चिल्ला कर दौड़े, घंटी जेब में रख रहे हैं। क्यों? जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये उसकी तैयारी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, ये बाकी की उंगलियां आपकी साइड जाएगी, एक दिन आप पर भी उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि किसी के लिए अपयश करोगे, एक दिन अपयश आपको भोगना पड़ेगा। किसी के लिए आप शब्द बोलोगे, वो शब्द आपको भी झेलना पड़ेगा। किसी के लिए बुरा करोगे, बुरा आपको भी झेलना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कब तक बचोगे? किसी कपटी के साथ कपट करोगे ना, चल जाएगा, पर किसी भोले के साथ, सीधे के साथ, जिसने आपके साथ पूर्ण विश्वास करा, उसके साथ अगर कपट कर गए तो जिंदगी नरक जैसी जाएगी, नरक से भी। बहुला है कोई घर में, आपके परिवार में कोई सीधा है, बहुला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा साहब, बिलखना तो पड़ेगा बहुत। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मूर्दैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा अच्छा निपटी जाए, पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन, ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, अपने बोलना ही नहीं। ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उसे, तो फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आज गुस्से में। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको? जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मूर्दैत्य के, प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया, उठो उठो प्रभु बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है, घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे, अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा, पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगिनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, ओस महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है, अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी।
अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी, मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोती, जैसे कि जैसे ही है 50,000 तुम लगाओ, 1,00,000 वापस लिया। हमारी हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ एक मिनट में बस यूश लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो गए अभी तक जैसा कि जैसा, ये जैसा कि जैसे ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ तुम बताओ गोरा कब होंगे। तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए, क्या करें बाहर की चमक का। ये चमक ये दमक फुल्ल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम ऐसे है, अभी बाहर की चमक का करोगे क्या। दो तरह का पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर दो तरह का, एक आपके घर के बाहर भी होगा, जहां जहां आप रहते हो ना, जिस शहर में रहते हो, जो कथा सुन रहे हो टीवी पे आस्था पर या मोबाइल पे सुन रहे हो, जिस मोहल्ले में कॉलोनी में रहते हो वहां लिखा रहता होगा ब्यूटी पार्लर। अब उस पार्लर में, और एक पार्लर ये भी है शिव पुराण का, बस अंतर इतना है उस पार्लर में लड़की का श्रृंगार होता है, बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, और इस शिव महापुराण के पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। पार्लर यह भी है, पार्लर वो भी है, वो बाहर का है ये भीतर का है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। अब आज तुम लोग जब कथा सुन के उठो ना और कहीं जाओ और कोई तुमसे पूछे कांगई थी दिखी नहीं, तो कहना पार्लर में बैठी थी। तो क्या बता 90 साल की 80 साल की और पार्लर में बैठी। हाँ बस अंतर एक ही है उस पार्लर में, उस पार्लर में जो वो बाहर वाला पार्लर होता है ना, तो वो ऐसी ककड़ी धर के बिठा दे एक जैसी पोत के, और यहाँ कुछ नहीं धर के बिठा है। इस पार्लर में जो बैठे हो ना शिव महापुराण के, इसमें कुछ धरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मन परमात्मा के चरणों में धर दो बस इतना चाहिए, और भगवान जो श्रृंगार करेगा उसके आगे दुनिया का कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। सब ठीक है, परमात्मा के श्रृंगार के आगे कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, तेरा विचार करो कितना सुंदर। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले अच्छे कर्म का, उसी का फल अब जो बोया था वो अब आम का पेड़ बड़ा हो गया, तुम बढ़िया तोड़ तोड़ के खाओ, मना नहीं, पर लगाया था तो खा रहे हो है? और जिसने बमूल का लगाया तो जो पेड़ हमने लगाया पहले और कांटा चुभ गया, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। ये उसी का कितना लेवल मिलाता है देखो तो सही। लोग कह रहे थे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, भगवान ने कहा चिंता मत करो, दो लहर में सब बराबर, काहे का टेंशन लेते हो। और अभी तो तीसरी की तैयारी चल रही है, तुम्हारा क्या विचार है रे? जितने कथा सुन रहे हो टीवी पर, विचार है आएगी
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शंकर जी की कथा लगातार चल रही है नॉनस्टॉप, तो वो भी रुकी हुई है। भगवान भी इंतजार में बैठा है। वो उसके यहां का लेवल का मत देखो, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसकी तो कंपनियां ऐसी जोरदार है, 2 मिनट में साफ। उसका कोई भरोसा नहीं दादा वो, और चिंता मत करना बिल्कुल भी। अगर कहीं तकलीफ आ भी जाए नहीं तो कह देना, तो मुझे जाने नहीं है कहीं। शिव पुराण सुनी है पूरी 1 साल की, एक नहीं छोड़ी। महाराज बापड़ा बाज बाज के थकी गया, पर मेरा कान नहीं थकिया। पलंग पे सोच सोच एक नहीं छोड़ी हो। ए यमराज से कहते ना, हमारे पल्ले तो पड़ना मत ही बिल्कुल। बगल में रही नहीं बिमला भाई, वे एक दिन की नहीं सुनी। मारी बत्तल की उके ले जा, मारे छोड़ी जा। यमराज से भी कहते ना, नहीं जाऊं जा। कथा सुनी मैंने, कहां जाऊंगा अब, कहां जाए। जो पछाड़ा एकादशी ने, जो पछाड़ा और मुर्देते मरा, मुर्देते तो मर गया, समाप्त तो हो गया। वो जो 11वें दिन जन्मी थी, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा, तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर कौन हो, तुम आखिर कौन हो, तुम इतनी सुंदर कौन हो? कहा महाराज, भगवान विष्णु से कह रही है, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रगति हूं। भगवान ने कहा, तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर्देत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या। सारे देवता जहां हार गए थे, वहां तू प्रगट होकर तूने संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर थलचर वायुचर या संसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी, और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बेकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। तो अब तुमसे कोई पूछे तो बता देना, एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, एकादशी का जन्म किस गुफा में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन से महीने में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन सी एकादशी को हुआ था, ये सब वर्णन आज की कथा में अपन ने श्रवण करा। एकादशी का बहुत सारा चरित्र रह गया है। एकादशी के 18 नियम है। कितने नियम है? 18। उसमें से 2 नियम बताए थे आपको, पत्ती टूटने तक का। कितने रहेगा भैया? 16 नियम कल की कथा में लेंगे। चतुर्थी की कथा भी रह गई, वो भी कल की कथा में लेकर आगे प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं, बड़े भाव से, आनंद से। बहुत सुंदर व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, आपके जीवन को सार्थक करे। सबको प्रसाद के रूप में बांटो, घर घर फोन कर दो, सारे घरों में फोन लगा दो, मैसेज कर दो या कथा की लिंक भेज दो कि यह कथा आ रही है व्रत शिव महापुराण की, सुने बिगर मत रहना। मालूम पड़ेगा कि हम इतने साल से एकादशी कर रहे हैं, उसका जन्म कब हुआ है, क्यों आई वो, किसको मारा उसने, क्या कारण था कि अन्न नहीं खाते, ये सारा चरित्र सुनते सुनते कल कथा में और प्रवेश करेंगे। 16 नियम रह गए हैं, 18 में से 2 वर्णन करे, 16 नियमों को और आगे सुनेंगे और उसको सुनते हुए चतुर्थी के व्रत का क्या विधान है उसमें प्रवेश करेंगे, कि चतुर्थी के व्रत में
जो आखा दाना रखा जाता है उसका महत्व क्या होता है, चतुर्थी के व्रत में जो कलश में पानी भरा जाता है उसका महत्व क्या होता है, चतुर्थी के व्रत में क्यों चूरमा बनाया जाता है उसका नियम क्या होता है, तो उसका सारा व्याख्यान कल की कथा मिलेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव।